परेशान होते हो कहाँ है सनी? तूने फिर रूम में मुझे साफ कर दिया। अरे यार रूम से क्या होता है? नहीं ये वाह आज इतना मैं ये वाला रोज लेके आया था ये। थैंक यू, कितना स्पेशल फील हो रहा है सच में, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। पता क्यों किया ये? क्यों? इसलिए किया है कि सारे लोग तुम्हें वहाँ पे भाई भाभी अम्मी रिजा रेहान तुम्हारे हर बर्थडे में बहुत स्पेशल फील करवाते थे, है ना। अब इस बार तुम यहाँ पे हो तो हम सबका फर्ज बनता है, स्पेशली मेरा और ये तो मेरे दोस्त हैं बेचारे करते हैं, ताकि तुम बहुत स्पेशल फील करो और तुम्हें इतनी सी भी वो मतलब क्या बोलते हैं उसको कमी महसूस ना हो कि आप मिस ना करें उन लोगों को। ये होता है, इसलिए तुम्हें स्पेशल फील कर रहा है, तुम्हारा बर्थडे मन चल रहा है, हर दिन तुम्हारे लिए अच्छा से अच्छा होगा कुछ ना कुछ। इतना अच्छा है कि बर्थडे के दिन भी होता तो बहुत बड़ा होता है। ये हम सबके लिए, ये हम सबके लिए पहली दफा हो रहा है। ये बेचारा पीछे भी मुंह लटका के बैठा हुआ है। बहुत ज्यादा सब लोग ऐसे खुश रहो और खुश रहा करो जो तुम अभी कुछ खाने के लिए भी है यहाँ पे खराब हो जाए तो मैं इसमें रखूंगी इसको संभालती हूँ। रूम में बहुत अच्छी खुशबू आती है ये वाले रियल रोजेस से। अभी सैफी कुछ लेके आया है, पता नहीं क्या है इसके हाथ में। लाया भाभी के लिए कुछ सरप्राइज देने आया भाई, रात में पता नहीं चटनी पीस के लिए आया, क्या लेके आ गया। ये कह रहे हैं मुझे बहुत पसंद है, तो हम दोनों में एक चीज कॉमन है कि हम दोनों को स्पाइसी चीजें बहुत पसंद है। पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है स्पाइसी। हाँ, तो ये इसलिए तो तुमसे नहीं बोला, खाली भाभी के लिए सरप्राइज है। मिर्ची हो सकती है, मिर्ची है। तली हुई मिर्ची अम्मी ने बनाई है, छोटी वाली सासू मैंने बनाई है। अच्छा शाम को एक छोटी सी दावत मम्मी की जानिब से। अबे मैं तुम्हारा लोड नहीं दिखा रही थी, लेकिन अब सैफी ने हिम्मत दे दी है तो प्लस देखो ये पहचानो ये किसका है। कोई बात नहीं प्यारू, अच्छा लग रहा है। वैसे 12 बजे अब सनी को भूख लग रही है, हम तो मेरे से खा के आ गए, तो मेरा तो पेट भरा हुआ है, लेकिन हम लोग फ्रिज में देख के जो भी कुछ बचा कुछ रखा हुआ था वो ही गर्म कर रहे हैं, और मैंने अमरूद ले लिए। लोग कह रहे हैं सनी तो बड़ा अच्छा बोल रहा है अभी तो ब्लॉग में, अभी वाला गाना बज रहा है किसी की बारात में, आए हम बाराती बारात लेके। मुझे धक धक होने लगता है फिर से बारात ले आओ। इतना स्पेशल डे होता है ना सच में, वो बारात वाले दिन का मैं बार बार आंख बंद करके उसको सोचती हूँ, फिर से सोचती हूँ कि फिर से वो हो जाए, और जब याद आता है ना मतलब अलग ही चीज होती है। अल्लाह हर एक इंसान को मैं कहती हूँ मिला दे, हर एक इंसान को शादी हो जाए उनकी जैसे खुशी खुशी मोहब्बत खुशी से शादी हो जाए, सच में वो खुशी अलग ही होती है। मैं जिनके भी माँ बाप ये ब्लॉग देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे ने किसी को पसंद किया है लेकिन अगर आपके हिसाब से वो अच्छा है, आपको लगता है कि वो लड़का या लड़की अच्छा है, आप सिर्फ जमाने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज ना सोचे। हाँ अगर आपको कोई कमी लगती है आप लोग देखें समझे, और बच्चे भी आप जिद ना करें कि माँ बाप से बस मुझे वैसे ही करना है। फैमिली को कन्विंस करके शादी करो तो जिंदगी भर खुश रहोगे, सच में। 7 साल की हम पूरी जिंदगी में ऐसे ही रहूंगी, नहीं भी करेंगे हम शादी एक, लेकिन किसी और से भी नहीं करेंगे। बस एक सवाल था बारात कब लेके आओगे, और उस बात में लड़ाई होती थी भाई। कितनी लड़ाई करनी थी, हाँ पहले घर वालों को मना लो, प्यार से मना लो, हाथ पर जोड़ के मना लो, पैरों पे गिर के मना लो। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की फैमिली मान गई, शादी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों लोग खुश हैं, हमारे घर वाले भी। तो बच्चों माँ बाप को मना के कुछ करो, और माँ बाप प्लीज बच्चों की एक बार सुनो तो सही। ये फिर रात में 12 बजे सैलेड बना रही है, टमाटर अच्छा नहीं है। अब जैसे अभी हम खा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो मिल जाता है वही खा लेते हैं। छोटू बड़कू जो भी तुम्हारा दिल करे। नेक्स्ट डे हो गया है, हमसे कोई मिलने आए थे, हमने सोचा उनको व्लॉग में ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग जा रहे हैं दावत में आज सनी के पापा के फ्रेंड के यहाँ। सनी के पापा के बहुत ही पुराने दोस्त हैं दिनेश अंकल, आज हम उनके घर आए हैं, और उनके यहाँ बहुत ही यमी सा हमें खाना मिला था, और बस ये उनकी फैमिली थी तो हमने उनसे बातें की, कुछ फोटोग्राफ क्लिक कराई। शादी के बाद हम उनके घर पहली बार गए थे, तो ये कोई रस्म कर रहे थे, वो जाते वक्त हमारे दुपट्टे में कुछ चावल डाल रहे थे, ऐसे 5 बार कुछ चावल डालने थे, उसके बाद कुछ पैसे उन्होंने डाले थे, और फिर वही चावल हमको थोड़े थोड़े उनके घर में ऐसे डालने थे, तो बस हम वही रस्म कर रहे थे। उस
उसके बाद हम लोग निकल गए मेला जाने के लिए। कल सनी ने झूला नहीं झुलाया था तो आज हम सब जा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक बहुत होगा तो आज सनी ने डिसाइड किया है कि हम सब बाइक में जाएंगे। खालू नहीं जा रहे थे तो इरफान जा रहा है बेटी खाला को लेके। ट्रैफिक जाम है तो हम पीछे के रास्ते से जा रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए आप कितनी सारी कार है उधर। आज झूला झूलने की खुशी अलग ही थी, मेरी एक्साइटमेंट का अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा। सबसे पहले हम बैठे ट्रेन में और सनी को बहुत ज्यादा डर लगता है तो वो वहीं से हेलो कर रहा था, वो हमारे साथ नहीं बैठा और हम यहाँ पे अपनी ट्रेन की राइड एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम बैठ रहे हैं ब्रेक डांस। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। साइकिल जोरी पर बहुत टाइम से ब्रेक डांस में नहीं बैठी हूँ। भाभी तैयार है? सनी को एक बार देख लूं। इधर इधर मजा आ रही है। भाभी सनी के बिना झूले में मजा ही नहीं आ रहा था तो मैंने जबरदस्ती उसको ट्रेन में बैठा लिया। उसको ट्रेन में भी डर लग रहा था और बस फिर उसे थोड़ी हिम्मत आ गई तो वो मेरे साथ एक दूसरे झूले में बैठा। ये भी काफी मजेदार था, बस गर्दन इसमें मेरी टेढ़ी हो गई थी। सब खैरियत? ये मेले में आके मुझे हर वो चीज करने का मन कर रहा था जो हम बचपन में करते थे। फिर मुझे सॉफ्टी दिखी तो फिर मैंने वो भी खाई। अब जैसे मैंने आपसे कहा ये कि मुझे हर वो चीज करने का मन कर रहा था तो मुझे ये लाइट्स के जो खिलौने दिख गए ये भी मेरा लेने का मन कर रहा था। तो एक वो चिकन गिन्नी टाइप था, मैंने वो लिया। साथ में उमैमा भी थी, रुकैया की लड़की, तो उसे भी कुछ दिलाया और कुछ चीजें रूम में डेकोरेशन करने के लिए ली। मुंबई वाला माल है, मुंबई की मिठाई यहाँ नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब मुंबई का माल था तो हमें ट्राई तो करना था, तो हमने बस सबने मिलके ये गुड़िया के बाल खाए और साथ में हमें फ्लावर्स लेने थे क्योंकि रूम में अभी तक मैंने फ्लावर्स का कुछ भी डेकोरेशन नहीं किया था। तो पॉट भी अच्छा मिल गया था, वो मैं आपको आगे दिखा। मुंबई ने गिफ्ट दिया है और ये मेले का सबसे फेमस खाना था पूरी और कबाब। कबाब इस तरह गोल गोल लड्डू बना के वो दे रहे थे और साथ में एक कानपुर की फेमस बिरयानी, तो बस हम सब ने बैठ के वो ही खाया। रास्ते में घर के लिए खाना लेना था तो कोई सब्सक्राइबर से वीडियो कॉल कर रहे थे। हम लोग मेले से घूम के आ चुके हैं और आज मेले में ज्यादा मजा आया क्योंकि आज हमने झूला दिन फेस कवर करके जाना पड़ा क्योंकि फिर पता है क्या होता है कि फिर एक को दो, एक को नहीं दे तो काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर भी मैंने ऐसे उठा के जितने लोगों को मैं दे सकती थी मैंने फोटोज दी। मेरा खुद भी मन करता है कि मैं सारे लोगों को फोटोज दूं, सबसे प्यार से मिलूं, लेकिन कभी कभी ऐसे भीड़ में ना फील हो जाता है कि फिर हमारे साथ जो लोग होते हैं फिर वो लोग भी ऐसे मतलब बोर हो जाते हैं, फिर वो लोग भी इंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए हमने कभी चलता है, बाकी तो हम फोटोज देते ही हैं। जिनसे मिले नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कभी ना कभी इतना तो मौदा है, हम लोग फिर मिलेंगे, फिर फोटो खींचेंगे, है ना। अब चली जाएगा बाहर दोस्तों में और मैं ये सारी चीजें ठीक करूंगी। अरे वाह, और जो सब बोल रहे हैं कि वजन बढ़ रहा है। 17, 18, 19 थैंक यू। ऐसे कोई कोई बोल देता है, कोई बात नहीं, जिसको बोलना है बोलने दो। एक महीने खाइए, एक महीने बाद जाके वेट करो।